हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल लर्निंग विद पैशन में। मैं इस चैनल में पढ़ाई से रिलेटेड हर वीडियो डालते रहता हूँ। अगर आप इस चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिएगा। मैं चैनल तो आज हम लोग बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। मैंने ट्रिग्नोमेट्री का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो डाल दिया, आप प्लेलिस्ट में जाइए और देखिए और अच्छे नंबर लाइए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन में बात करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ क्वेश्चन, कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू साइन है सेक ए माइनस कॉस इज इक्वल टू 1/10 ए प्लस कॉट है, हम लोग को प्रूव करना है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग कॉसेक दिया है। तो देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ना, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आप सबको साइन कॉस में चेंज कीजिए, सबको साइन कॉस में चेंज कीजिए, सबको साइन कॉस में चेंज कीजिए। तो हम लोग इसको साइन कॉस में चेंज करते हैं। जैसे हम लोग ने ले लिया कॉसेक है, कॉसेक माइनस साइन है, ठीक है। हम लोग ने ये एल एच एस ले रहा है, ले रहा हूँ मैं एल एच एस, और यहाँ सेक है माइनस कॉस है, ठीक है। हम लोग के पास ये लिख दिया हम लोग ने एल एच एस, कॉसेक हम लोग सबको साइन कॉस में चेंज करेंगे। तो कॉसेक को 1/sin है, ठीक है, हम लोग पढ़ा होगा, और यहाँ साइन है साइन ही रहेगा सबको, ये ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ सेक को 1/cos लिख दिया हम लोग, ठीक है, और यहाँ कॉस है, ठीक है, हम लोग लिख दिया। अब हम लोग इसको आगे क्या करेंगे, आगे हम लोग को तो कुछ समझ नहीं आ रहा हो, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, आगे हम लोग साइन कॉमन ले लेते हैं। तो साइन हम लोग ने कॉमन ले, सॉरी साइन हम लोग ने एलसीएम ले लिया। तो यहाँ वन आ गया आपका, साइन इंटू साइन है माइनस साइन स्क्वायर है, ठीक है। और यहाँ हम लोग ने क्या किया, कॉसे कॉमन, कॉसे का एलसीएम ले लिया, तो कॉसे एलसीएम ले लिया तो 1-cos² ए हो गया, ठीक है। अब देखिए आप अपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, आप अपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1-sin² हो जाएगा। हम लोग 1-sin² एक जगह क्या लिख सकते हैं, cos² / sin, ये हो गया आपका यहाँ इंटू, और यहाँ 1-cos² क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर है, लिख सकते हैं ना जी, साइन स्क्वायर है, यहाँ कॉस है, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये इंटू हो जाएगा, कॉस स्क्वायर है इंटू साइन स्क्वायर है, और यहाँ साइन है इंटू साइन इंटू कॉस है, हो गया जी। साइन ने साइन को मारा, साइन ने साइन को मारा, और cos² ने कॉसे को मारा, क्या बच गया हम लोग के पास, कॉसे इंटू साइन है, ये हम लोग का एल एच एस आया, हम लोग का एल एच एस आया, कॉसे इंटू साइन आई हम लोग का एल एच एस, ठीक है। हम लोग को आर एच एस भी प्रूफ करना हो, क्योंकि आर एच एस हम लोग आया नहीं है, हम लोग आर एच एस है 1/10 है प्लस कॉट है। तो हम लोग आर एच एस ले लेते हैं, हम लोग आर एच एस ले लेते हैं, हम लोग आर एच एस ले लेते हैं 1/10 a प्लस कॉट ए, हम लोग ले लिया आर एच एस, क्या दिक्कत है, ले लिया हम लोग आर एच एस भी प्रूफ करेंगे, एल एच एस प्रूफ नहीं होता आर एच एस भी प्रूफ करेंगे, उसमें क्या दिक्कत है, लेकिन प्रूफ करेंगे, ठीक है। अब देखिए टेन को क्या लिख सकते हैं हम लोग जी, टेन को साइन है / cos लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना जी, साइन है / cos, और यहाँ कॉट को क्या लिख सकते हैं, cos है / sin है, ठीक है जी। cos इज इक्वल क्या था, cot इज इक्वल टू cos / sin, तो cos / sin है। यहाँ पर क्या किया हम लोग ने, एलसीएम ले लिया, cos इंटू साइन है, कॉस ए इंटू साइन है, यहाँ कॉस ए को मारा, साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर है, और साइन ने साइन को मारा, कॉस इंटू कॉस स्क्वायर है, ठीक है। अब यहाँ ऊपर में वन है, ऊपर में वन है जी, ठीक है। अब यहाँ देखिए हम लोग आगे सॉल्व करते हैं, 1/sin² प्लस कॉस स्क्वायर है 1, और यहाँ पर कॉस ए इंटू साइन है, ठीक है। अब यह साइन ऊपर चल जाएगा तो आपका आ जाएगा कॉस ए इंटू साइन आ जाएगा, जो आर एच एस होगा हम लोग का, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस प्रूफ हो जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आज के लिए बस इतना ही, अब हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेके, हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं ला रहा हूँ, आप वीडियो देखते जाएं, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और तो बस आज के लिए इतना ही, अब हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।